तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में स्टार भारत पर आने वाले सीरियल राधा कृष्ण के कास्ट के रियल लाइफ लव पार्टनर से मिलवाने वाली हूँ। तो अगर आप सभी उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं फलक नाच के बारे में, जो कि देवकी का किरदार निभा चुकी हैं। तो ये अभी सिंगल हैं। अर्पित रंका जो कि कंस का किरदार निभा चुके हैं, तो इनकी शादी हो चुकी है और उनकी पत्नी का नाम निधि सोमानी है। रीना कपूर जो कि यशोदा मैया का किरदार निभा चुकी हैं, तो इनकी भी शादी हो चुकी है और उनके पति का नाम करण निझर है। गावी चहल जो कि नंद बाबा का किरदार निभा चुके हैं और इनकी भी शादी हो चुकी है, पर इनकी पत्नी का नाम हमें नहीं मालूम है। आकांक्षा राव जो कि कीर्तिदा का किरदार निभा चुकी हैं, तो इनकी भी शादी हुई थी पर अभी इनका तलाक हो चुका है और इनके पति पीयूष सहदेव थे। पियाली मुंशी जो कि पार्वती जी का किरदार निभा रही, तो ये अभी सिंगल हैं। तरुण खन्ना जो कि महादेव का किरदार निभा रहे, तो इनकी पत्नी का नाम स्मृति मोहन है और इनकी शादी साल 2012 में हुई थी। आलिया घोष जो कि सत्यभामा का रोल प्ले कर रही हैं, तो ये अभी सिंगल हैं। झलक देसाई जो कि रुक्मिणी का किरदार निभा रही हैं, तो इनकी शादी हो चुकी है और इनके पति का नाम नीरव है और इनकी शादी साल 2020 में ही हुई है। हिमांशु सोनी जो कि पहले कृष्णा का किरदार निभाए थे, तो इनकी शादी हो चुकी है और इनकी पत्नी का नाम शीतल सिंह है। कृप कपूर सूरी जो कि दुर्योधन का किरदार निभा चुके हैं, तो इनकी भी शादी हो चुकी है और इनकी पत्नी का नाम सिमरन कौर है। केश कुकरेती जो कि राधा के बाबा का किरदार निभा रहे, तो इनकी भी शादी हो चुकी है और इनकी पत्नी का नाम इनाली कुकरेती है। बसंत भट्ट जो कि बलराम का किरदार निभा रहे हैं, तो ये अभी सिंगल है। मल्लिका सिंह जो कि राधा का रोल प्ले कर रही है, तो ये भी अभी सिंगल है। सिव्या पठानिया जो कि ओरिजिनल राधा का किरदार निभा चुकी हैं, तो इनके बॉयफ्रेंड का नाम किंसुक वैद्या है। सुमेध मुदगलकर जो कि कृष्ण का किरदार निभा रहे हैं, तो ये भी रियल लाइफ में अभी सिंगल हैं, पर इनकी रुगमर गर्लफ्रेंड टीनिशा शर्मा रह चुकी हैं। तो अब सभी का क्या कहना है इस वीडियो को लेकर, और आप सभी को राधा कृष्ण सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप सभी को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।